नमस्कार दोस्तों, वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हरफन मौला यात्री पर। और अभी मैं दोस्तों एक खूबसूरत सी प्यारी सी नदी के पास खड़ा हूं दोस्तों। और जिस लोकेशन में हूं दोस्तों, मैं इस समय देहरादून में हूं। जी हां दोस्तों, और ये जो लोकेशन है मैं बता देता हूँ, मैं अभी जस्ट रॉबर्स केव को एक्सप्लोर किया हूँ देहरादून का, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों, गुचुप्पी जिसको हिंदी में बोलते हैं। और उसी से जस्ट 50 मीटर की बगल में एक खूबसूरत सी नदी प्रवाहित हो रही। जी हाँ दोस्तों, और इस नदी में मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो रॉबर्स केव का जो झरने का पानी है, मतलब रॉबर्स केव में जो पानी, जो रॉबर्स केव के अंदर जो पानी बहता हुआ बाहर निकल रहा, वो भी इसी नदी में आकर के मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा भी किया था रॉबर्स केव वाली वीडियो में, कि एक बगल में नदी भी बह रही है जिसको मैं दिखाऊंगा, सो मैं उसको दिखा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही प्यारी सी नदी है दोस्तों, बहुत ही इसका पानी साफ़ है, आप देख सकते हैं। और इसके दोनों तरफ जो है घने जंगल हैं, आप सामने देख भी सकते हैं, इसके दोनों तरफ घने घने जंगल हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। बाकी दूर भी आप देखें, और जिधर ये नदी टर्न होकर के गई है दोस्तों, और उधर ही है दोस्तों रॉबर्स केव, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। गुचुप्पी बड़ा अटपटा नाम है, हिंदी में गुचुप्पी बोलते हैं उसको, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैंने एक्सप्लोर किया है। तो चैनल पर जा करके आप वीडियो को ज़रूर देखें। देहरादून के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस समय, इससे पहले मैं ऋषिकेश और हरिद्वार के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करके आया हूँ, और इस समय मैं देहरादून में हूँ। और देहरादून के खूबसूरत से चिड़ियाघर को भी एक्सप्लोर किया है, जिसका नाम है दोस्तों मालसी डियर पार्क। और रॉबर्स केव को भी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और ये रॉबर्स केव के बगल में एक खूबसूरत सी नदी का प्रवाह हो रहा है जिसको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही स्वच्छ जल है दोस्तों इस नदी का, आप देख सकते हैं। इस नदी में रॉबर्स केव का भी पानी आकर के मिल जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसको मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो इस नदी के पास अगर आप आना चाहते हैं तो रॉबर्स केव आइए, और वहाँ से मात्र 50 मीटर की बगल में, 50 मीटर की दूरी पर ही ये नदी की आपको जो है आवाज़ सुनाई ज़रूर देगी, और आप आकर के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा और आगे चलता हूँ मैं, ये देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दोस्तों। और दूर देखें आप, इस नदी में लोग दूर देख सकते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इस नदी की धारा बहुत ही तेज़ है दोस्तों, बरसात की टाइम है इस समय, और पानी का स्तर सभी नदियों में बढ़ा हुआ है, उत्तराखंड ऋषिकेश हरिद्वार और साथ ही साथ देहरादून में। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ माँ गंगा का विकराल रूप भी मैंने दिखाया है आपको। माँ गंगा का विकराल रूप, रौद्र रूप मैंने दिखाया है दोस्तों, ऋषिकेश में भी दिखाया है और हरिद्वार में भी दिखाया है दोस्तों। और देवप्रयाग भी जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ, तो अगर देवप्रयाग जाने में मैं सफल रहा तो वहाँ भी माँ गंगा का रौद्र रूप दिखाऊंगा, साथ ही साथ अलकनंदा और भागीरथी का संगम भी दिखाऊँगा आपको। तो इस नदी को मैंने अच्छे तरीके से कम्प्लीटली एक्सप्लोर किया दोस्तों, तो इस वीडियो को अब यहीं पे करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।